हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एमरो। गाइस आज है 16 मई, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 मई को, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? तो ये ट्रॉफी जीती है जापान ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तीनों किया गया एन चंद्रशेखरन को, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? तो ये खर्च करेगी चीन देश की सीमा पर, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरजीत दात्तर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे थे पोइट यानी कवि, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो समझौता किया है ओमान और भारत ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रेई वेलोसोव को किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है रूस का, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो ने किसे APMEA स्ट्रेटजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है विनय फिराके को, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इफको के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इफको के निदेशक बने हैं विवेक VP नड्डा कोहले, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुपरबेट रैबिट और ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीती है? तो ये जीती है मैग्नस कार्लसन ने, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदा सिसा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? तो नियुक्त हुई है मेघालय राज्य की, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है? सम्मानित किया डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने शाहिद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये समझौते किए हैं ईरान देश के साथ, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालिक गेमिंग वीजा लॉन्च किया है? लॉन्च किया है दुबई ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रोमांचक फ्रेंच मोटो GP जीती है? तो ये जीती है जॉर्ज मार्टिन ने, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।